an actor or actress from Bollywood you'd love to stalk? The director that you'd want to work with next. The best director in Bollywood right now. Raju Hirani. Undoubtedly Raju Hirani. Which director's license do you think should be revoked? Raju Hirani. Why? I can't even make one scene like what Raju Hirani does. I'm absolutely jealous of him. He's one director I feel like... जो तीन साल तक रहता है स्क्रिप्ट पे काम करता है दैट काइंड ऑफ सटल राइटिंग सटल इमोशंस ही नोज द पल्स ऑफ द ऑडियंस व्हाट ही डज इज अ मच मच ग्रेटर देयर जॉब देन व्हाट आई डू अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई इडियट है जो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए ऑल इज वेल है तो वो एक ही मामू है उनके लिए तो हम सब बस यही कह सकते हैं इंडियाज मोस्ट ल्यूमिनस डायरेक्टर राजकुमार हिरानी नवंबर 1962 को नागपुर में राजू हिरानी का जन्म हुआ उन्होंने सेंट फ्रांसिस डिसेल्स हाई स्कूल नागपुर से स्कूलिंग की और कॉमर्स की 3 साल की पढ़ाई करके उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से किया इवेंचुअली एडवर्टाइजिंग में घुसने के बाद उन्होंने फिल्मों में अपना कदम रखा एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बट ये इन्फॉर्मेशन तो विकीपीडिया पे भी मिल जाएगी लेट्स सी कि ऐसा क्या क्या हुआ राजू हिरानी की जिंदगी में जो उनके अंदर से इतनी अलग अलग कहानियाँ निकली एक क्रिएटर ऑडियंस को एंटरटेन तो करता ही है बट साथ में कई बार और क्रिएटर बना देता है बहुत से ऐसे क्रिएटर्स ने राजू हिरानी को भी बनाया है उनमें से एक है लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी जो मोस्टली मिडिल सिनेमा बनाते थे यानी वो फिल्में जो 8 फिल्मों की तरह यूनिक सब्जेक्ट्स उठाती हैं और साथ में कमर्शियल भी होती हैं। राजू हिरानी ने अपनी फिल्मों का टोन भी कुछ ऐसा ही रखा है ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद उनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल भी रही है When I saw Anand, that time, I think the film just blew me off. I was completely blown by the character of Rajesh Khanna. I was blown by Amitabh Bachchan's performance. I was even blown by Ramesh Deo, Dara Singh, Johnny Walker. And that was my discovery to the world of Rishikesh Mukherjee's films. So then I made a point that as I was growing up, I said, I have to watch every Rishikesh Mukherjee film. And isi film ne unko poetry se introduce karaya. I got exposed to poetry, I think, to Gulzar Saab. The lovely poetry he wrote in that film. So much so, and, ki jab bhi Anand TV pe aati thi, to wo pen paper leke baith jate the. I suddenly started reading poetry because of this film. I think this is the first poem I ever wrote down watching a film and I kind of mugged it as I have to recite it and I kept on reciting Agopa ke naam par. It went like... Tum log poem guess karke rakho, main video ke end mein reveal karta hoon. साहिर लुधियानवी हरिवंश राय बच्चन शरद जोशी और काका हदरासी जो मोस्टली सोशल सेटायर्स लिखते थे उनके फेवरेट पोएट्स रहे हैं इसके अलावा हरिशंकर परसाई जो एक प्रोमिनेंट हिंदी राइटर रह चुके हैं राजू हिरानी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित हुए उनकी बुक्स व्यंग यानी सेटायर होती थी जो एक राइटिंग टेक्निक है जिसमें सोसाइटी के गलत एस्पेक्ट्स को ह्यूमर के थ्रू अटैक किया जाता है जो अब कहीं ना कहीं राजू हिरानी का ट्रेडमार्क स्टाइल बन चुका है हरिशंकर परसाई गांधीवादी थे उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर एक लेटर भी लिखा था जो राइजिंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक व्यंग्य था इसका इन्फ्लुएंस राजू हिरानी पर भी पड़ा और उनकी इच्छा थी कि वो महात्मा गांधी पर फिल्म भी बनाएं, जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई और जिसमें हम हरिशंकर परसाई का इन्फ्लुएंस भी देख सकते हैं हर इमारत हर चौराहे हर मार्ग जिस पे मेरा नाम लिखा हो मिटा दो अगर बापू को रखने का ही है तो अपने दिल में रखो ना और अपुन ने उसके लिए क्या किया एक तस्वीर बनाकर दीवार पे लटका दिया और उसके नीचे आराम से रिश्वत लेता है अनफॉर्चुनेटली उनका अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ फैन मोमेंट नहीं हो पाया ऋषिकेश मुखर्जी पास्ड अवे ऑन 27 अगस्त 2006 4 days बिफोर द रिलीज ऑफ लगे रहो मुन्ना भाई अपनी फिल्म की रिलीज के पहले उस आइडल को खो देना जिसने फिल्मों का पैशन आपके अंदर डाला था बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है हरिशंकर परसाई के केस में भी राजू हिरानी उनका काम हमेशा ढूंढते रहे लेकिन वो कहीं पर भी प्रिजर्व नहीं था इसलिए काफ़ी टाइम तक उनकी बुक्स उन्हें नहीं मिल पाई वो उनसे मिलना भी चाहते थे लेकिन हरिशंकर जी की डेथ बहुत जल्दी हो गई ऑन अ गुड नोट उनकी बुक्स फाइनली ऋषिकेश मुखर्जी और काका हदरासी की बुक्स के साथ राजीव हिरानी को पृथ्वी बुक शॉप में मिल ही गई जिनको वो आज भी अपने ऑफिस में रखते हैं ऑफिस में रखने के अलावा वो अपने क्रिएटिव आइडल्स को अपनी फिल्मों में भी याद करते रहते हैं जैसे पीके के शुरुआत में जिस इवेंट में जग्गू और सरफराज जाना चाहते हैं वो हरिवंश राय बच्चन का ही होता है संजू में पहले उस्ताद साहिर लुधियानवी ही होते हैं मेरा उस्ताद मेरे साथ था कौन सा उस्ताद साहिर लुधियानवी उनकी पहली फिल्म में उसी सेम डिजीज का नाम यूज किया गया है जो आनंद में राजेश खन्ना को होती है अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है जिस बात का डर था वही हुआ लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन
और तो और फिल्म के फेमस पैरालाइज कैरेक्टर का नाम भी आनंद था, जो एंड में कैकड़ा चला जाता है जहाँ से राजेश खन्ना का आनंद आया था। मे बी इट्स एन इंडिकेशन ऑफ आनंद सिनेमेटिक यूनिवर्स, या मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। इसके अलावा राजू हिरानी के इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी रहे हैं, जैसे वेन डायर और रोल डॉल, जो सेल्फ हेल्प और फैंटेसी बुक्स रिस्पेक्टिवली लिख चुके हैं। वेन डायर की योर इरोनस जोन राजू हिरानी की रिकमेंडेशन लिस्ट में सबसे ऊपर है। वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट उनकी फेवरेट बुक एडाप्टेशन रही है, जिसके थीम और कैरेक्टर्स मुन्ना भाई MBBS से काफी सिमिलर हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। इंटरनेशनल फिल्म वर्ल्ड में चार्ली चैपलिन ने राजू हिरानी को इस कदर इंस्पायर किया है कि उनके ऑफिस लिफ्ट और वेटिंग रूम में भी चैपलिन होते हैं। The whole idea was when people walk into my office, I thought let me put three or four things out there which would make them smile before they walk into the office. I want anybody who walks into the office to feel happy, laugh a little. Has he been a big influence? Has Chaplin been of big course, influence? Of course. I think he's the greatest filmmaker we've ever seen. In the real sense, a genius and a true artist. He wrote his own scripts, he directed his films, he acted, he was a composer, he created music. So where lots of artists in those period couldn't adapt themselves to talkie cinema, but he adapted himself so well and made such wonderful films. All of us have grown up watching Chaplin, and I think even without words he made us laugh. Most Chaplin films, I cross my reception, I sometimes sit down there and watch it for 10 minutes, you know. I think there's nobody like him. The whole idea of having, so when people walk in, as soon as you walk in, sets the mood. As an audience, the tramp ko wo sabse relatable character mante hain. लॉरेल और हार्डी की फिल्म्स भी उनको पसंद रही हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे कि भले ही उनकी फिल्मों की स्टोरी लाइन चेंज हो जाए, बट वो हमेशा कांस्टेंट रहते थे, मच लाइक द मुन्ना भाई सीरीज। When you turn, then suddenly you see there's an image of Laurel and Hardy peeping from a window. And that was the primary purpose of putting all these people there, Chaplin, Laurel and Hardy, all there. उनका नागपुर में बड़े होने का एक्सपीरियंस भी उनकी कहानियों का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है। So I think people are the biggest force which give you stories. See, मुझे मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि मैं एक छोटे शहर में पैदा हुआ। मुझे लगता है छोटे शहरों में एक्सपीरियंसेस वक्त आपके पास ज्यादा होता है। हाँ, दोस्तों के साथ वक्त बीतता है, फैमिली के साथ वक्त बीतता है, तो आप जॉइंट फैमिलीज में रह चुके होते हैं, आपको आस पड़ोस में आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती किसी घर जाने के लिए। कहानियाँ किससे आपको जिंदगी में ज्यादा देखने को मिलते हैं? कहानियाँ वहाँ ज्यादा मिलती है, और वही कहानियाँ आपकी फिल्मों में फाइनली आती है। कहाँ से स्टोरीज लाते हो? आपने जो एक्सपीरियंस किया आप वही लाते हो। We always try and dig into our own lives for inspiration. As you can pick up from a DVD or from a book or pick up from life. I've always dug into stories from my own life and kind of transformed them on screens. If I go back to a lot of my scenes from most of my films are stories from people I've met okay. in real life. So I feel fortunate ki aisi zindagi ji तो वहीं से आज कहानियां हम लोग को मिल रही है। उनकी कहानियां इतने लोगों से इसीलिए कनेक्ट कर पाई हैं क्योंकि वो लोगों से ही निकली हैं। और इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं सुरेश रानी, हिज फादर। माय डैड, माय डैड हैज बीन अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। ही वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटस्पोकन ऑनेस्ट मैन। A brave man, honest man. Interesting vision. He was outspoken. He was righteous. Man who's absolutely forthright. That always gave me that fearlessness of using common sense and being fearless and being right. I mean, इसी वजह से उनकी हर फिल्म में एक ना एक फादर चाइल्ड का सबप्लॉट क्लियरली दिखता है। किसी ने मुझसे कहा कि अरे आपकी हर फिल्म में एक पिताजी का एंगल होता है। ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है। सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो मुझे, मैं सुन के मैं एक सेकंड का डरा। मैंने कहा यार ये मैं वहीं डिक कर रहा हूँ, जहाँ मेरा अट्रैक्शन है शायद वहीं डिक कर रहा हूँ। सुरेश रानी नागपुर में एक टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे और एक रैशनलिस्ट दिमाग के आदमी थे। उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्टी और स्ट्रिक्टनेस ने राजू हिरानी की फिल्मों के कई सीन इंस्पायर किए हैं। मोस्ट ऑफ माय सिनेमैटिक मैडनेस आई शुड से केम फ्रॉम हिम। सो लॉट ऑफ सीन्स आई पिक्ड अप वर फ्रॉम माय फादर्स लाइफ। बहुत सारी फिल्मों में हमारे सीन्स जो हैं वो इनकी लाइफ से आए। जैसे मुन्ना भाई MBBS में चोर वाला सीन। इफ यू रिमेंबर मुन्ना भाई MBBS, द फर्स्ट सीन ऑफ सुनील दत्त, हिज पॉकेट इज पिक्ड, catches the thief and the whole crowd wants to hit him and then he kind of saves him. It's an incident which in a different way happened with me. This happened with my dad and I was a young kid, I remember. As I said, he used to run this typewriting institute. Nagpur that time was a small town. Sindhi community was a small community. Somebody came to his office, was a Sindhi gentleman. He said, I am from Raipur. I've come here for some business and I've lost my money. So can you lend me some money? Dad thought, okay, same community and he needed 2,000 bucks. So he gave it to him. That evening when we were sitting at home, we had some other relatives and they told my dad that somebody else told my dad that somebody came to his office and took 2,000 bucks from him. So he figured out that this guy was really going around and picking up money and making different stories. So he realized he'd been conned. Everybody gave up. My dad didn't give up. He woke up the next morning. 6 o'clock he went out
There used to be 3 or 4 living places. There were lodges, one hotel. He went to every hotel, every lodge, one lodge after another, describing the man. And he found him. While the others had given up, he got him. He brought him home. And he said, why are you doing this? And asked him, why did you cheat me? You know, I will lose faith. Next time, I won't be able to help anybody. Now, after giving his lecture to him, he didn't know what to do with him. He didn't want to take him to a pop station. So he took him to, there used to be this one. We were in a small town. So there used to be this little Sindhi panchayat there. He said, let me take him. He's from our community. So let him take him there and let them figure out what to do. So he took him there. And I, as a kid, remember going with him. So there were some builders, some guys who want some theater, and all the eminent Sindhi citizens were there. And he told them, this guy has conned me of 2,000 rupees. Now what do I do with him? I don't think he'd give it to me, but I still don't know what to do with him. So one gentleman, I remember, he got up and slapped this man from Raipur. So my dad told him, he stopped him. He said, look, I can also hit him. But I don't want to hit him. I want to figure out some way of solving this issue. He said, Hiran sahab, chhod dijiye, hum isko humko karne dijiye. They started slapping him. So my dad got very annoyed. And this has stayed with me. He pushed all those guys away. This guy who had actually stolen his money made him stand behind him. And he said, you know, look at all these guys who are sitting here in judgment today. This guy is a builder, this guy is some insurance guy, this guy is some theater. They're actually all thieves. Somebody is stealing from the income tax. Somebody is stealing from the insurance company. Somebody is defeating somebody else in business. But they don't get caught. You're a foolish guy. So if you want to be a thief, be a thief like them. You're stealing so blatantly. Don't do this. And he took him to the railway station, bought him a ticket, and sent him off. So, I guess I grew up watching these kind of things, and so somewhere all this reflects in the film where you want to say these kind of things. So there's a scene actually I, in a way, used in Munna Bhai MBBS. Three Idiots, or even Lage Raho Munna Bhai ka one of the most famous scene bhi aise inspired hai. See, if I look back at my life, the most tense, most stressful period of my life, it's not my first film. It's not my marriage. More than my marriage, more than my films, more than anything else. It was my 12th standard. There was not a single night I didn't wake up from my sleep. Every night I dreamt my results are out and I performed badly. Sometimes the earth is shattering and I was constantly worried what my dad is going to tell me, what my mom is going to tell me. Every night I would wake up. That's been the most stressful thing. Till 12th I studied for engineering. Mera Farhan Qureshi wala hal tha. It's straight out of my life. So the times we were growing up, actually everybody wanted to become either an engineer or a doctor. Engineer bano ya doctor bano, nahi ban paaye to become karo, utne bhi marks nahi ho to. We would do arts. It was plain and simple. Why? Nobody knew. I didn't want to become a doctor, so I said, okay, let me become an engineer. So I joined. I was doing science till 12th. When the results came, the marks were not good enough for me to be an engineer. Mera admission nahi hua. So BCom join kar liya. And college used to be 7 to 10 in the morning. Then my uncle wanted me to become a chartered accountant. So I started to classes attend karni shuru ki. Aur main class mein jata tha, wo shaam ko hoti thi classes, kuch samajh mein nahi aata tha. What is this accountancy and why am I supposed to do this? So, ye debit kya hota hai, credit kya hota hai, idhar ko. Debit, credit, numbers, aaj tak nahi samajh mein aata. This credit, I said, okay, watch, it's gone out or it's come in, I don't know. Hota nahi, ye account mein debit ho gaya, phir ye account mein dusra credit ho gaya. To iska, isne usko diye, to uske account mein aisa. And I just couldn't. Mujhe तो मैं बहुत बोर होने लगा कोर्स करके और मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं. Now the exam was a week ahead and I knew I'm going to fail again. And that got me worried. I said, Dad will say, look, you couldn't do engineering, now you couldn't do get into chartered accountancy, and so now what do you want to do? 7 days तक मैं सोचता रहा कैसे बोलूं, किस वक्त बोलूं, कब वो अच्छे मूड में होंगे. It was 1 week of trauma. But I decided this is not. So actually that scene which you saw in Three Idiots actually came from my life where I had to really muster a lot of courage and go to my dad. Finally, I gathered the courage, went to my father. तो मुझे तो अभी भी वो जगह दिखाई देती है मैं आपसे बात कर रहा हूँ. I still remember exactly I was standing and literally मुझे याद है मैं ऐसे steps पे खड़ा था, वो नीचे खड़े थे और मैं नीचे जाके dad के पास पहुँचा और मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा. Can I do something else? I don't want to give this exam, which is tomorrow. अच्छा, मैं डरा हुआ था कि वो डांट पड़ेगी. Fortunately for me, my dad was not the kind of father Madhavan had in the film. He just looked at me and he said, उन्होंने एक सेकंड के लिए मुझे देखा और कहा तो ठीक है ना, छोड़ो, नहीं होता तो अच्छा नहीं होता. कल से आके तुम मेरे साथ बैठो. टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, टाइपराइटर्स बेचते थे सब, तो आके मेरे साथ काम करो. तो मैंने ऐसे पॉज लिया. So I said, it's okay if I don't go for the exams. He says, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, छोड़ ना, कल से आ जा. मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे लिए वो इतना रिलीफ था उस दिन. उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मैं जी सकता हूँ. ऐसा अंदर एक जान आ गई. मैं गया छत पे, मैंने पतंग उड़ाई. I felt so free, man. पतंग उड़ाया, a sense of relief था कि यार
नहीं करना है। मैं पता मुड़ा रहा हूं, मैं कल मुझे कोई कहेगा वॉश द होल हाउस, स्वीप द होल हाउस, आई वुड हैव डन इट। स्वीप द एंटायर नागपुर सिटी नेक्स्ट डे, आई वुड हैव डन इट, बट नॉट गिवन दैट एग्जाम। सुरेश हिरानी पार्टीशन के समय नौशहरो फिरोज डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान से इंडिया आए थे। फादर केम ड्यूरिंग पार्टीशन फ्रॉम स्मॉल प्लेस कॉल्ड नवाबशाह इन सिंध। He was 14 then, came to Agra, then eventually came to Nagpur and settled there. Agra ke refugee camps mein kuch time guzarne ke baad, wo Nagpur shift hue. Apne sare positions khone ke baad, ghar chalane ke liye unhone ek bangle factory mein kaam kiya. Fir unhone ice cream bechna chalu ki. Aur aage chalke apni life savings se unhone ek typewriting institute khola, jiska naam Rajkumar Commerce Institute rakha. Unke bete ka naam isi institute pe rakha gaya. कहीं ना कहीं उनके पाकिस्तान के एक्सपीरियंस ने उनके बेटे को बॉर्डर एनिमीज के टुवर्ड्स एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव दिया, जो पीके में जाके रिफ्लेक्ट हुआ। उनका इंडिया आके टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट चलाना और अपने बेटे को वहाँ काम कराना भी राजीव रानी की पर्सनालिटी पे एक छाप छोड़ गया। इनके जो जहन में जो मोशन था टाइपराइटिंग का, टाइपिंग लेटर्स इनटू द कीपैड, ही वाज कांस्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज स्क्रिप्ट और राइटिंग इन हिज हेड, सो मच सो दैट He would permanently be moving his fingers. वो बात कर रहे होते, उनके मन में thought form होता और उनकी उंगलियाँ वो thought को लिख रही होती। एक और ऐसा इंसिडेंट है राजू हिरानी के बचपन का, जो कहीं ना कहीं संजू के इस सीन के इमोशन से काफी सिमिलर है। जैसे संजू का सबसे बड़ा डर मिटाने के लिए उसके फादर उसे ड्राइव पे ले जाके उसके सबसे बड़े डर के बारे में बात करते हैं, वैसे ही सुरेश हिरानी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उस टाइम दोस्तों से कहानियां सुनते थे भूतों की और घर आके बताते थे। My dad told me, son, there are no ghosts, you know. I said, no, they do exist. He said, show me, where are they? I was a little fox because I'd heard that stories and I'd not seen one. उन्होंने मुझे कहा ठीक है, ये रात के वक्त बात हो रही थी, तो रात को 9-10 बजे ही ड्रोव डाउन और अंधेरे में वो लेके मुझे कहीं शहर से बाहर 20-25 किलोमीटर ले गए, सुनसान अंधेरा, वहाँ गाड़ी खड़ी की। मेरी हालत खराब, मैं सोच रहा हूँ भूत आज दिखेगा कहीं। उन्होंने वहाँ गाड़ी खड़ी की, बाहर उतरे और चिल्लाने लगे जोर जोर से, कहाँ है भूत भाई, आ जाओ एक बार मिल लो, भूत किधर है, भूत आ जाओ, दोस्त एनीबॉडी, भूत इधर, कौन है, आओ। मैं अंदर हालत खराब, देने की केम टू द विंडो, इसे देखो कोई नहीं है, तुम्हें का गांव में होते नहीं है, अभी उतरो बाहर। मैं डर डर के उतरा, इसे अब चिल्लाओ देखो किधर है भूत। मैं पता नहीं मुझे कैसे, मैं भूत भूत है तो चिल्लाओगा फोर्स में आके, पर जब मैं लौटा तो ये बात बैठ गई कि ये नहीं होता। नेक्स्ट डे आई वेंट एंड फॉट विद माय फ्रेंड एंड आई हैव नो घोस्ट, यू नो व्हाट बुलशिट यू आर टेलिंग मी। तो वो डर, काफी चीजें पिताजी से सीखी है सारी, ये वो निकल गया एक डर हमेशा के लिए। अनफॉर्चुनेटली 3 जून 2012 को 77 साल की उम्र में वो गुजर गए। हिरानी के फादर सुरेश हिरानी ब्रेथ हिज लास्ट ऑन द नाइट ऑफ जून 3, 2012 इन मुंबई। 77 ईयर ओल्ड सुरेश हिरानी जी काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। बट आज भी सुरेश हिरानी उनके बेटे की फिल्मों के सीन्स में जिंदा हैं। उनका टाइपराइटर राजू रानी ने आज भी एज अ सिंबल अपने ऑफिस में सजा के रखा है, जहां से सारी कहानियां शुरू हुई थी। या माय डैड यूज्ड टू रन अ टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट एंड इन नागपुर, दैट वाज हिज जॉब, ऑफ कोर्स देन यूज टू लेटर सेल टाइपराइटर, सो वी ऑल लर्नड टाइपराइटिंग देयर एंड सो व्हेन आई केम टू मुंबई दिस इज द फर्स्ट टाइपराइटर आई बॉट, द वर्ड्स कम फ्रॉम हियर एंड दे गो टू द स्क्रीन। इस वीडियो में हमने सिर्फ आधी कहानी कवर की है, अगले वीडियो में हम इसे पूरा करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग राजीव रानी को उनकी फेवरेट पोएम रिसाइट करते हुए सुनो। ए मौत तू एक कविता है, तुझसे एक कविता का वादा है, बोल मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला न रात न दिन, जिसमें जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, तुझसे कविता का वादा है, बोल मिलेगी मुझको।